कोरोना वायरस के बढ़ते खतरे को देखते हुए दिल्ली में कर्फ्यू का ऐलान कर दिया है। मंगलवार को दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने इसकी घोषणा की। उन्होंने कहा कि कोरोना वायरस से बचाव के लिए दिल्ली में कर्फ्यू लगाया गया है। उन्होंने बताया कि दिल्ली में कोरोना वायरस के मरीजों की संख्या में कमी आई है, यह अच्छी खबर है, लेकिन अभी हमें खुश नहीं होना चाहिए, लड़ाई अभी लंबी है, मरीजों की संख्या में कभी भी इजाफा हो सकता है, हमें अलर्ट रहना होगा। केजरीवाल ने आगे कहा कि पिछले 40 घंटे में किसी भी मरीज का टेस्ट पॉजिटिव नहीं पाया गया, 30 मरीज ठीक होकर घर जा चुके हैं। दिल्ली में अभी सिर्फ 23 मरीज हैं, हमने 5 लोगों की टीम बनाई है जो बताएगी कि अगर कोरोना थर्ड स्टेज में आता है तो हमें क्या करना होगा। अरविंद केजरीवाल ने कहा कि दिल्ली में कई दिहाड़ी मजदूर हैं जो किराए के घरों में रहते हैं, यदि किराएदार अपने मकान मालिकों को किराए का भुगतान करने की स्थिति में नहीं है तो उन्हें 2 या 3 महीने के लिए कुछ रियायत दी जा सकती है। मुझे ये देखकर खुशी हुई कि लोग एक दूसरे की मदद कर रहे हैं, मुझे यकीन है कि हम जल्द ही संकट से सफलतापूर्वक निपटेंगे। Subscribe our channel and press the bell icon for more updates.